भोपाल से खबर, जहां समर्पण निधि को लेकर बीजेपी में आज एक बड़ी बैठक बीजेपी की होने वाली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे। बता दें आपको, इस बैठक से जुड़ा बड़ा अपडेट यह मिल रहा है, भोपाल जिले को लेकर प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह सहित समर्पण निधि के टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी के तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। भोपाल जिला और प्रदेश के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। समर्पण निधि को लेकर ये बड़ी बैठक आज होना है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हम रुख करेंगे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मनोज सैनी जी, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। मनोज जी, क्या जानकारी इस बैठक से जुड़ी? देखिए, इससे पहले भी दो बैठकें हुई थी भारतीय जनता पार्टी की 24 और 25 तारीख को। उसका मुद्दा भी यही रहा था कि समर्पण निधि जो एक बड़ा टारगेट है करीब 150 करोड़ का, उसको अचीव करना है तो उस तक कैसे पहुंचा जाए। लेकिन इस बीच में बूथ विस्तार की बात भी हुई थी, लेकिन आज की जो बैठक है वो शुरू हो गई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री भूपेंद्र सिंह शामिल है। इसके अलावा कई पदाधिकारी भी शामिल हुए इस बैठक में। बैठक का मुद्दा वही है कि कैसे समर्पण निधि का जो लक्ष्य रखा है उस तक पहुँचा जाए, क्योंकि अभी जो खबरें आ रही है उस लक्ष्य से काफ़ी दूर है बीजेपी। लेकिन प्रयास यही है कि उस लक्ष्य को साधना है, और बीजेपी ये चाहती है कि यदि जिस समर्पण निधि की बात करें 150 करोड़ के लगभग यदि बीजेपी के खाते में आ जाता, बीजेपी के पास आ जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी का मध्यप्रदेश का संगठन पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा। और जैसा मोदी कहते रहे हैं कि सरकारों को आत्मनिर्भर बनाना है, उसी तरह बीजेपी भी कह रही, संगठन की तरफ से भी कहा गया है कि अपने अपने संगठन को आत्मनिर्भरता की तरफ आप बढ़ाइए, ताकि कहीं किसी से कुछ लेना ना पड़े और ठीक ढंग से संगठन काम कर सके। तो संगठन में कसावट है संगठन को मजबूती करना, इसीलिए समर्पण निधि कुशवाहा ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष पर एकत्रित की जा रही है, पर उस लक्ष्य तक पहुँचना थोड़ी सी टेढ़ी खीर हो रही, इसीलिए आज बैठक रखी गई। चलिए, आप नजरें बनाए रखें, इस बैठक से जुड़ी और भी अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मनोज जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।